हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मेरे न्यूयॉर्क ट्रैवल सीरीज़ का आज का लास्ट व्लॉग है। ये आज हम लोग का लास्ट डे है यहाँ पे, तो आई होप आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे। तो आज हम लोग का लास्ट डे है यहाँ पे न्यूयॉर्क में नाइग्रा फॉल्स में। आज हम लोग का लास्ट डे है, तो अभी बज रहे हैं 10। तो अभी हम लोग जाएंगे, एक एक्टिविटी है केव ऑफ द विंड्स, वो करेंगे और थोड़ा सा और घूमेंगे 3 बजे तक। फिर हम लोग की शाम की 6 बजे की फ़्लाइट है, फिर हम लोग जाएंगे वापस घर। तो हम लोग की ऑलमोस्ट 6 दिन की जो न्यूयॉर्क सिटी की और नाइग्रा फॉल्स की जो वैकेशन था वो एंड होने आ रहा है। तो अभी चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी केव ऑफ द विंड्स के लिए, फिर हम लोग जाएँगे घर पर। तो ये जो है ये हम लोग का होटल है यहाँ पे नाइग्रा फॉल्स में, होटल कालिका। ये फॉल्स के पास है बिल्कुल भी, यहाँ से फॉल्स 10 से 15 मिनट की दूरी पर है वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर ही हम लोग 1.5 दिन रुके थे, ऑलमोस्ट दो रात ही हम लोग यहाँ पे रुके थे। अभी हम लोग चेकआउट करके जा रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा होटल है, बजट में। जल्दी आ गए तो अभी लाइन नहीं है, लेट आते हैं तो बहुत लाइन हो जाती है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। तो केव ऑफ द विंड का हम लोगों ने टिकट ले लिया है, लेकिन जो टिकट है ना उसमें टाइमिंग दी हुई है। तो हम लोग का जो टाइमिंग है वो 1:30 बजे के करीब है। तो तब तक जो है हम लोग ये जो स्टेट पार्क है ना, यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं फॉल्स को एकदम नज़दीक से देखने के लिए। तो हम लोग पूरे स्टेट पार्क में सारे व्यू पॉइंट्स को कवर करेंगे वॉक करते हुए, और जब हम लोग का टाइम होगा तब हम लोग जाएँगे केव ऑफ द विंड एक्टिविटी के लिए। हम लोग जा रहे हैं अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स का जो विविंग पॉइंट है जहाँ से दिखता है एकदम नज़दीक से फॉल्स, वो देखने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे टेरापिन पॉइंट और फिर हम लोग जाएंगे केव ऑफ द विंड्स। तो अभी हम लोग जहाँ पे घूम रहे हैं ये है यहाँ का नाइग्रा फॉल्स स्टेट पार्क। तो ये जो स्टेट पार्क है ये USA का सबसे ओल्डेस्ट स्टेट पार्क है, और ये स्टेट पार्क बहुत बड़ा है, पैदल घूमने में बहुत ही टायरिंग है। तो यहाँ पे ट्रॉली चलती है जिसका $3 एडल्ट का पर पर्सन टिकट है, बच्चे 6 साल से नीचे हैं तो फ्री है। तो अगर आप वो ट्रॉली का टिकट ले लेते हो उसमें बैठ के आप घूम सकते हो। ट्रॉली पूरे स्टेट पार्क में घुमाती है, आपको जहाँ पर चाहिए वहाँ पर आप उतर जाओ, फिर दूसरी आप पकड़ लो, पूरे दिन भर के लिए वो रहता है टिकट, उससे आप घूमेंगे तो बेटर रहता है।
नीचे आप लोगों को रेड स्टेयर्स दिख रही है ना, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इस पे जहाँ पे लोग देखिए वॉक कर रहे हैं, तो इसी को ही केव ऑफ द विंड बोला जाता है। तो यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं जिस पे आप चढ़ के ऊपर फॉल्स के एकदम पास जा सकते हैं। तो यही है केव ऑफ द विंड एक्टिविटी जो हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग स्टैचू देख रहे हो, ये स्टैचू है निकोला टेस्ला की, जिन्होंने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट जो है डिज़ाइन किया था नायग्रा फॉल्स में। तो अभी हम लोग आ गए हैं टेरापिन पॉइंट। यहाँ से जो है ना कैनेडियन साइड का जो फॉल्स है, मतलब जिसका नाम है हॉर्सशू फॉल्स, वो बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कनाडा की बिल्डिंग कितनी नज़दीक है, सब नज़दीक से दिख रहा है। तो अभी आगे चलेंगे तो वहाँ से कैनेडियन साइड का जो फॉल्स है वो भी दिखेगा अच्छे से। तो जो कनाडा का फॉल है उसका नाम है हॉर्सशू फॉल, वो सबसे बड़ा है फॉल्स। और उसका शेप जो है ना घोड़े की जो नाल होती है यू शेप की, उस तरीके का कुछ है, इसलिए उसका नाम जो है हॉर्सशू फॉल है और सबसे बड़ी फॉल है। आ रहे हैं वहाँ पे ही देखने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्सशू फॉल्स टेरापिन पॉइंट। तो अभी जो है ना हम लोग एकदम कनाडा के पास जा गए, एकदम आ गए हैं, बस जस्ट उस साइड ही कनाडा है। और फॉल्स इतना तेज है ना, पानी इतना तेज गिर रहा है कि पानी यहाँ तक आ रहा है पूरा, उसका पानी उड़ के आ रहा है, जबकि इतना दूर है अभी फॉल्स। तो ये है टेरापिन पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि फॉल्स की हाइट कितनी है, 167 feet, 51 meter हाई जो है ना हाइट है उसकी। और उसका फ्लो देखिए 675,000 गैलन पर सेकेंड जो है उसका फ्लो है, उतना पानी उतने सेकेंड में गिरता है यहाँ पे। और यहाँ पे है कनाडा, ये पूरा कनाडा का बिल्डिंग दिख रहा है, एकदम कनाडा एकदम जस्ट सामने ही है। तो उस साइड जो सारा दिख रहा है, गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं कनाडा के साइड, जो है तेजी से ये पानी गिर रहा है, तो उससे जो मिस्ट बन रही है उसका आप देख सकते हैं, और मिस्ट के कारण आप क्लियरली देख भी नहीं सकते हैं फॉल्स को। केव ऑफ द विंड्स के लिए, तो वहाँ पे तो पूरा भीग जाएंगे हम लोग। केव ऑफ द विंड्स के लिए हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं केव ऑफ द विंड्स के लिए लाइन में। तो यहाँ पे अभी ये लोग जो है ना पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, तो ये लोग एडिट वगैरह करके देते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आगे जाने से पहले एक छोटी सी मूवी दिखाई जाती है नायग्रा फॉल्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो अभी हम लोग आ गए हैं केव ऑफ द विंड्स की लाइन में, तो लाइन आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। अभी जाएंगे हम लोग अंदर। लिफ्ट से हम लोग नीचे आ गए हैं और अभी यहाँ पे एक केव जैसा ही है बना हुआ, जिसके अंदर से होते हुए हम लोग अब बाहर जाएंगे। तो आगे जाने से पहले यहाँ पे हम लोगों को पॉन्चोस दिए गए हैं जो कि येलो कलर के हैं,
तो जो कल हम लोगों ने बोट टूर किया था मेड ऑफ द मिस्ट, तो वहाँ पे भी पोंचो दिए थे, तो वो ब्लू कलर के थे, और यहाँ वाला जो पोंचो है उसका कलर येलो है। तो हम लोगों ने अपना पोंचो पहन लिया है और अब हम लोग आगे जाएंगे। स्टेयर्स है ना, ये लकड़ी के स्टेयर्स हैं जिनको हर साल जब यहाँ पे फॉल आता है, मतलब जब विंटर आने वाला होता है, तो उसको निकाल दिया जाता है, और जब स्प्रिंग आता है, समर आने का समय हो जाता है गर्मी, तब ये लोग उसको वापस से लगा देते हैं, क्योंकि विंटर में जो है यहाँ का पूरा पानी जो नायग्रा फॉल्स है पूरा फ्रीज हो जाता है, तो उससे कुछ डैमेज ना हो स्टेयर्स को, इसलिए वो लोग निकाल देते हैं, और फिर से समर जब आता है, स्प्रिंग आता है, गर्मी आने वाली होती है, तो फिर से लगाया जाता है उसको। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never been taking big steps. तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे वापस जाने के लिए घर। तो हर वेकेशन कभी ना कभी एंड हो जाता है, तो हम लोगों का भी ये 6 दिन का न्यूयॉर्क का ट्रिप जो है एंड हो गया है, तो अब हम लोग चलेंगे अपने घर। तो मैंने पूरे ट्रिप पे जो है वीडियोस बनाया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं मिलूँगी आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।